दिन गुरु पूर्णिमा पर आज सुबह से शहर की मठ मंदिर आश्रमों और गुरु स्थानों पर शिष्यों की भीड़ लगना शुरू हो गई है। शिष्य अपने गुरु के लिए पुष्पमाला, श्रीफल, वस्त्र, मिठाई, फल और अन्य उपहार लेकर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही गुरु के चरण पखार कर उनका पूजन कर रहे हैं और आरती प्रसाद वितरण कर रहे हैं। गुरु भी प्रसन्न होकर शिष्यों की खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। इस दौरान शहर के सभी धार्मिक आध्यात्मिक स्थानों पर गुरु वंदना और जयकारे गुंज रहे हैं। कहते हैं कि ईश्वर रूठ जाए तो उन्हें मनाने की राह गुरु दिखा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो उन्हें भगवान भी नहीं मना सकते। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों बताए। इसी के साथ यह गुरु वंदना का सबसे चर्चित श्लोक है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोधमयम् नित्यम् गुरु शंकर रूपिणो यमासतो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। तुलसीदास जी ने गुरु को शंकर रूप में वंदन किया है, क्योंकि गुरु मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा का गुरु जीवन संग्राम से जूझने की कला सिखाता है, और शिक्षा के गुरु कई हो सकते हैं, पर दीक्षा का गुरु एक ही होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन शिष्य गुरु पर गुरु के पास जाकर के पूर्णता को प्राप्त करता है। गुरु बना जान के पानी पियो छान के, हरय शिष्य धन शोक न हरय ते गुरु घोर नरक में पड़े। शिष्य के धन का तो हरण करे, पर अगर शोक का हरण नहीं कर पाता तो ऐसा गुरु घन को नरक में जाता।